हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्लास 10 से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, त्रिकोणमिति, और कुछ स्टूडेंटों को बहुत हार्ड भी लगता है, तो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए हम आज अपना टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, त्रिकोणमिति, और इसके 4 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं, और जो कमज़ोर स्टूडेंट थे वो भी ये कह रहे हैं काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ रहा है। तो गाइस, आज जो लेक्चर है वो ही उसका ही भाग है, लेकिन भाग नंबर क्या है आपका? 5। बहुत अच्छा टॉपिक है, और याद रखिएगा गाइस, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फालतू के क्वेश्चन हैं वो मैं अपनी वीडियो में नहीं पढ़ा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन यह है, मान निकालिए। मान कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको बताया भी था कि चतुर्थांश में कैसे आप उसको मान निकाल सकते हैं, यानी 90 वाला होता है, 180 वाला होता है, मैक्सिमम यही आपके यूज होते हैं, बाकी तो अब सिलेबस से आपके हटा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर था क्या आपका? एक सेकंड रुकिए गाइस जी, क्वेश्चन आपका थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यह आपका क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आप ये बताइएगा इसको हम कैसे करें। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए या इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी एक को चेंज करते हैं, या तो आप इसको चेंज कीजिएगा या फिर आप इसको चेंज कीजिएगा, अपॉन में भी आप एक को ही चेंज करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इसको ही शाइन। अब यहां पर देखिए 63 कब होगा, जब मैं 90 में से क्या घटाऊंगा, 90 में से जब मैं 27 घटाऊंगा तो आपका क्या बचेगा? 63। बाकी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद बटे हुए हैं आपके कोस। अब बताइए आप इसको चेंज करें या इसको, तो आपके ऊपर बात है, या तो आप इसको चेंज कीजिएगा या फिर इसको चेंज कीजिएगा। तो हम इसको चेंज करते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73। क्यों? जब आप 90 में से 73 को घटाते हो तब आपके 17 बचते हैं, तो ये आपका आता है प्लस कोस स्क्वायर 73। यहाँ आप डिग्री का चिन्ह लगा भी सकते हो इसमें। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा। क्या होता है गाइस? कोस थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो कोस 27 डिग्री प्लस शाइन, ये तो आपका 27 डिग्री है ही, 27 डिग्री अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, यहां पर भी आप लिख सकते हो, चूंकि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो इसको भी आप लिख सकते हो, तो यहां पर लिखते हैं कोस, यहां पर आपका साइन आ जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या तो आप इस प्रकार बोलिए या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आगे पीछे प्लस में आप लिख भी सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू का मान भी आपका 1 है और नीचे वाली वैल्यू का मान भी आपका 1 है, तो आपका फाइनली आंसर क्या आता है? 1। और इन सभी या इस जैसे सभी क्वेश्चनों का आंसर मैक्सिमम आपका 1 ही होता है। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन को मैं आपको दो विधि से करके दिखाऊंगा, दोनों विधि इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ये लगे कि हमारी जल्दी समझ में इससे आ रहा है उसी से आप इसको करिएगा। और देखिए, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी एक को इसमें चेंज कर लेते हैं किस प्रकार से, या रुकिएगा, सबसे मैं पहले आपको हल्की ट्रिक बता देता हूँ। आपको बताया मैंने, क्योंकि शाइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपका होता है, आप सभी जानते हैं। और जो स्टूडेंट इसको नहीं जानते हैं, जिन स्टूडेंटों को ये नहीं पता, तो हमारे त्रिकोणमिति की इससे पहली क्लास या उससे पहली क्लास, यानी आपके चार पार्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब पता चल जाएगा, क्या सूत्र है, क्या इसका लॉजिक है, सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए फिलहाल तो आप अब क्या करें, यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन ए के स्थान पर कौन है, 25, यानी ए के स्थान पर तो 25 ही है ना। अब कोस बी, कोस बी क्या है 65, यहाँ पर देखिए। अब कोस ए, ए क्या था अपना साइन, नहीं ए क्या था अपना 25, तो 25 है, फिर बी क्या था 65, तो 65, यानी एक बार 25 आपके साइन के साथ आएगा तो एक बार कोस के साथ आएगा, एक बार 65 कोस के साथ है तो एक बार 65 साइन के साथ है। अब यहां पर देखिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हो गया 25 प्लस 65, और आपका आता है साइन, अब 25 प्लस 65 क्या होते हैं भैया आपके, तो ये आपको जोड़कर लिख सकते हो आप 90। अब ये बहुत दिक्कत होती है कि इसका मान क्या होगा 90 का, तो इससे पहले मैं फिर से कहूंगा, इससे पहले वीडियो में सब आपको बता रखा है, बकायदे त्रिकोणमिति की सारणी तक बना रखी है, तो साइन 90 का मान आपका 1 होता है गाइस। तो ये तो दी आपकी सिंपल विधि, अब मैं बताता हूं आपको दूसरी विधि, तो इससे पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं इसकी सेकंड विधि, यानी सेकंड विधि में क्या कहा गया है, किस प्रकार से हम इसको करते हैं, तो यहां पर देखिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो इसको आप 25 बना लीजिएगा और इसको भी आप 25 में तोड़ लीजिएगा, तो कैसे तोड़े, तो सीधी सी बात है 90 में तो जब आप 25 घटाओगे तो आपका 65 बचता है, या तो इस प्रकार से कीजिएगा या फिर 25 को बताइएगा कैसे साइन 90 में से क्या घटाया जाए कि 25 आ जाए तो 65 आप घटाते हो। अब देखिएगा इसको चेंज हम नहीं करेंगे, कभी इसको भी आप चेंज कर दो, केवल एक को चेंज करना होता है गाइज प्लस। अब क्या करें, यहां पर हमने साइन को चेंज किया है, क्यों हमको कोस लाना है, यहां पर आप कोस को चेंज कीजिएगा, क्यों हमको साइन लाना है। अब आप समझोगे ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहां पर आपको मिस्टेक हो गई, 90 माइनस 65। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं, तो गाइज थोड़ा आगे की सोच के चलना होता है, क्योंकि हमको पता है कि आने वाले टाइम में ये हमारा कोस बनेगा तो कोस स्क्वायर होगा, आने वाले टाइम में ये हमारा साइन 65 बनेगा, तो यहाँ पर दो साइन है तो साइन स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर जो होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 1। तो यहाँ पर पहले से आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा आगे तक की सोचकर जब क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस 65 आपका आता है कोस 65 इंटू कोस 65 प्लस, ये तो आपका साइन हो जाएगा ना, तो साइन 65 इंटू साइन 65। अब क्या करते हैं, कोस और ये भी कोस, ऊपर से 65 65, तो सीधी सी बात है आपका जाता है कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन साइन है तो साइन स्क्वायर 65। अब क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों के एंगल भी क्या आपने सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जब आपके ये थीटा आपके सेम है तो रहेंगे, तो आपका आंसर आता है 1। तो गाइस मैच कर लीजिएगा अपना आंसर, दोनों विधि से आंसर आपका ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन, अब के जो क्वेश्चन कहा है उसमें कहा गया है सही विकल्प चुनिए, यानी आपके बहुविकल्प क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको, सिंपली इसका आंसर आप बता सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे, कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनसे इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, वरना काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है, यहाँ पर देखिए क्या चीज कॉमन है, वो है आपका नो, और आपका यहाँ पर नो कॉमन आने के बाद आपका बच जाता है इस प्रकार, और आप सभी जानते हैं sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका मान आपका होता है 1, क्या होता है गाइस 1,
तो नो ही करना क्या होता है आपका, नो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये वॉइस का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको आपने बहुविकल्प में दे दिया। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा लॉन्ग है, और ये आपके बहुविकल्प के जो आंसर हैं इसमें से आपको चूज करना है कौन सा आंसर आपका मैच है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वन प्लस, एक मिनट रुकिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो वन प्लस अब आपको क्या करना है, टेन को साइन बटे कोस में लिख लेते हैं। आपको सब जानते हैं कि जो आपका टेन होता है वो साइन बटे कोस होता है, और सेक आपका वन अपॉन कोस होता है। वन प्लस कोट क्या होता है आपका, कोस बटे साइन होता है। और ये जो है आपका माइनस वन अपॉन साइन होता है। गाइस ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जब तक आपके ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे त्रिकोणमिति आपको कभी समझ में नहीं आएगी। और ये फॉर्मूले हमने आपको क्लास फर्स्ट में ही आपको बेसिक जब पढ़ाया था तभी आपको बता दिए थे। तो एक बार इसको आप अच्छे से याद करें। अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर क्या है, सेम है। जब आपके दोनों के हर सेम है तो एक को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और ऊपर वाले को इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब यहां पर भी एक है, साइन आप एलसीएम लीजिएगा और लिखिएगा कोस माइनस वन, इस प्रकार से आप इसको कीजिएगा। और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता है, सभी जानते हैं। अब इसकी गुणा आप इधर कीजिएगा तो आपका हो जाता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस वन अपॉन में क्या है आपका कोस है, ये आपका हो जाता है। अब जब आप इधर चलते हो तो ये आ जाता है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन अपॉन में क्या है आपका साइन थीटा है। यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं ये बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम किस प्रकार करें, तो सीधी सी बात है आप इन दोनों की गुणा कर लें। तो गुणा कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले दोनों सेम बना लीजिएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपने लिखा प्लस वन, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर लिखना है कोस थीटा, यानी प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं साइन थीटा, प्लस नहीं माइनस वन है आपका, और इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। गाइस घर में बहुत है तो अच्छे से अपने पंखे में बैठ के पढ़िएगा, क्लास को लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अब कैसे करते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर लिखता हूं a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लास सेवन का आपका फॉर्मूला है, अब तो पहले भी आ जाते हैं, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं इतना लूं कोस प्लस साइन तो ये ए की वैल्यू हो जाती है इतनी, ये आपका ए और ये वी, फिर आपका ये ए और ये आपका बी। तो यहां पर देखिए प्लस है तो ए प्लस बी, और यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी। तो सीधा आपका फॉर्मूला वरना आपको चमक रहा होगा। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं वरना कभी आप इसको गलत दिख दें, ये आपको हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक घात आप इसकी दो भी लिख सकते हैं यानी पावर टू माइनस एक। अब जब आप एक का वर्ग करोगे तो आपका क्या होगा, एक ही आना है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करें, अब आप इसका एक फॉर्मूला आपने फिर पढ़ा होगा छोटी क्लास में ही, a प्लस वी की पावर टू का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू ए वी, यही तो पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर देखिए बस खोल दीजिएगा इसको, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका एक, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी,
क्या होता है आपका, एक प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन, आपका आता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करें, एक से आपका एक कट जाता है, उसके बाद क्या होता है आपका दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और आपका अपोन में भी चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करोगे, साइन थीटा कोस थीटा से ये आपका कट जाता है और आपका बच जाता है क्या, दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है गाइज। अगर ये सही विकल्प में नहीं आता तो यही क्वेश्चन आपका दो या तीन, तीन नंबर के लिए आपका काफी था, तीन नंबर में आता है आपका ये क्वेश्चन। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। इसमें कहा गया आपका sec a प्लस tan a इंटू वन माइनस साइन ए बराबर है, यानी sec के बराबर है, नंबर दो ऑप्शन आपका साइन के बराबर, cosec के, फिर cos के। तो वो तो आपको सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आइए गाइस इधर चेक करते हैं आप, पहला जो है आपका sec a प्लस tan a इंटू वन माइनस साइन, ठीक है जी। अब क्या करें, sec को तोड़ लेते हैं हम cos a में, प्लस साइन a अपॉन क्या लिखते हैं आप, cos a, ये आपका हो जाता है उसके बाद इंटू वन माइनस साइन a, ठीक। अब क्या करें, अब यहां पर देखिए सेम हर है तो एक आप cos ले सकते हैं और ऊपर वाले को सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है, हमने आपको बताया था a प्लस वी, चूंकि a प्लस वी a माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसी प्रकार से आपको जाता है एक को तो आप लिखो वर्ग में या बंदा लिखो सेम रहेगा, लेकिन ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, उसके बाद जहां पर फिर से आप लिख दीजिएगा कि जी वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। अब कहां से बराबर होता है कोई बता पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, और यदि मैं यहां से आपका कोस की वैल्यू निकालू तो कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से आता है आपका ए, ये आपका यहां से आया है, तो हम लिख देंगे क्या कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब कोस ए से आपका स्क्वायर कट जाता है, आपका आता है कोस ए, यही आपका आंसर होता है। तो आइए मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो एक बार इसके सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है किसके, सेक स्क्वायर के, कोट स्क्वायर के, या माइनस वन के, या फिर टेन स्क्वायर के। गाइज इस क्वेश्चन को मैं दो विधि से करा सकता हूँ, जौन सी विधि आपको अच्छी लगे, या सबसे पहले मैं आपको इजी विधि बता देता हूँ। आपको जो इजी विधि है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका वन होता है, ये तो आप सब जानते ही हो, जानते हो। अब ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर जो आपका आ रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए आ रहा है, इतना तो आपको पता है, ये आप चूंकि में लिख सकते हो, चूंकि पता है। अब इसी प्रकार होता आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ये भी आप सब जानते हो। और जब ये माइनस के है तो उधर तो प्लस में जाना ही है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर, यह है आपका, यही है ना।
फाइनली जो आपका हुआ, तो इसके स्थान पर तो आप सेक स्क्वायर रख सकते हैं और इसके स्थान पर कोसेक स्क्वायर, तो लिख दीजिएगा आप सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर। क्या बड़ी बात है इसमें, बताइए अब क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर को आप वन अपॉन क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर है, और इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर है। अब क्या कर लूं, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा किस प्रकार करते हैं, ये आपका ऊपर पहुंच जाता है और ये आपका नीचे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर है आपका बनना। तो ये किसका फॉर्मूला होता कि साइन अपॉन कोस, तो आप सभी जानते हैं कि वो टेन का फॉर्मूला होता, तो आपका जो हो गया ये टेन स्क्वायर ए आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है भैया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि टेन स्क्वायर ए आपका आंसर है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसकी दूसरी विधि भी कर सकते हैं। अच्छा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आइए देखते हैं इसकी दूसरी विधि। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है उससे, काफी इजी था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये क्या होता है आपका साइन अपॉन कोस में आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद इसको आप काय में तोड़ सकते हो, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, आसानी से तोड़ सकते हो ना। अब क्या करें, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता, इसकी आप इधर गुणा कीजिएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। उसके बाद इधर आपका जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। अब यहां पर देखिए ऊपर वाले का तो आपका आ जाता है क्या एक, अभी फॉर्मूले में बताया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक होता है, उसके बाद ये भी आपका एक होगा तो साइन स्क्वायर ए, सेम वहीं पहुंच गए। अब हम अब क्या होगा, इसका आप उल्टा कर दीजिएगा जैसे पहले किया था, तो साइन ऊपर आ जाएगा आपका और कोस नहीं वन। अब होगा क्या, आपका बन जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब किसका फॉर्मूला है, टेन का, तो आपका आता है टेन स्क्वायर। देखिएगा उस विधि से भी यही आंसर आ रहा था और इस विधि से भी यही आ रहा है, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता हर साल। लेकिन आज की क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, आपका लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो जिससे आपको पढ़ने में बोरियत होगी, आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए इस लेक्चर को इसी क्वेश्चन के बाद हम क्लोज करते हैं। और इस जो आपका टॉपिक है ये सिद्ध करने वाला है, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे अगले लेक्चर में होंगे, यानी ये लेक्चर नंबर 6 में आपके ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। LHS लेते हैं आप, क्या लेते हो गाइस, LHS। LHS जब आप लेते हो तो आपको RHS को ध्यान में रखना होता है कि किस प्रकार लाएंगे, ये जो त्रिकोणमिति आपकी होती है इसी बेस पे होती है, यानी आपको माइंड लगाना होता है कि किस प्रकार से हम उसको उस चीज़ में उसको चेंज करें, यानी सिद्ध करने क्वेश्चन यही होते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करके उधर की साइड लेकर जाएं। तो माइंड लगाइएगा थोड़ा सा, क्या है कोस, तो कोस कब आएगा, तो कोस जब आएगा जब मैं इसको इन कंडीशनों में तोड़ूंगा। कोड क्या होता है आपका, कोस बटे साइन, ये आपका हुआ आपको पता है। उसके बाद क्या करें हम, अब उसके बाद दोनों के हर सेम है भाई, आप सब जानते हैं, क्या करें ये ले लें इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, देखो तो हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो है उसको एक स्टेप आप समझिएगा, पहले क्या किया हमने, पहले इसको साइन कोस में तोड़ लिया, उसके बाद क्या करा, हर सेम है उनको ले लिया, कोई भारी बात नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों को यानी मैक्सिमम स्टूडेंटों को काफ़ी हार्ड लगते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, बस समझने की फेल है। अब क्या करें, ऊपर वालों में क्या करें हम,
ऊपर वालों को तो इस प्रकार लिख ही सकते हो, नीचे वाले होता क्या है, इन्होंने आपस में अपने जो घात है उन्होंने अलग अलग ले लिया, नहीं ऊपर वाले ने अपनी अलग ले ली, छोटे वाले ने अपनी, यानी नीचे वाले ने अपनी अलग ले ली। उसके बाद होता क्या है, फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था, अभी लिखा था मैंने आपके लिए फॉर्मूला वो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है गाइस बन। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा बताइए गाइस, यही होगा। तो अब हम क्या करें, इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग अपॉन, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, यहां पर स्क्वायर था। अब क्या करें हम, अब देखिए केवल कुछ नहीं है, सीधा आपका होने वाला है, यहाँ पर स्क्वायर हटाना है और यहाँ से आपको घात हटानी है। तो ऐसा नहीं आ गया हमने हटा दिया लो ये हो गया सीधा, ऐसे नहीं करना, बल्कि क्या करना है, ये आप ऊपर वाले को इसी प्रकार से लिखेगा। और अगर आप सपोज करें थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्योंकि एक का वर्ग भी आपका एक ही होता है। तो ये आपका हो जाता है चूंकि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद आप इसको लिख भी सकते हो ए यानी क्या 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, और ये माइनस से आपके घात कट जाती है। फाइनली आपका जो सिद्ध होकर आपका आंसर आता है वो आता है 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, ये आपको हो जाता है RHS-PROB, ये आपको हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इस जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमारे भाग 6 में आपको सबको बता दिए जाएंगे। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छा आपको इसमें से सीखने को मिला होगा। तो गाइज पढ़ते रहिएगा, और मैं हर बार जो कहता हूँ कि आप इस इन सब का रिवीजन कीजिएगा, त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों का जितना आप रिवीजन कीजिएगा या जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और जितना अच्छे से अच्छा आप रिवीजन कर सको इतना कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनने इससे पहले पार्ट नहीं देखे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, तो इससे पहली वाली वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद।